होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मीना मसार के मुकाबले के लिए हमारी तीनों खास बेगमात तैयार हैं। मीजान, हम चाहेंगे कि इस मुकाबले में आप भी हमें अपनी राय दें। आइए। आदाब शहंशाह, आदाब अम्मीजान। हमें बेहद खुशी है कि सबसे पहले आप हमारे पास आए। आप हमारी सबसे पहली बेगम हैं, तो कायदे से सबसे पहले आपके पास ही आना था। हर बार आपका तोहफा हमें लाजवाब कर देता है। हम देखना चाहेंगे कि इस बार ऐसा कौन सा खास तोहफा है आपके पास हमारे लिए। हुक्म हो तो पेश करें। हिंदुस्तान के अजीमो शाह शहंशाह, सबसे काबिल सिपाही के लिए ये शमशीर हमारी तरफ से। सुभान अल्लाह, गजब की कारीगरी है। बेहद मजबूत और हवा से भी हल्का। बहुत ही उम्दा सोच और बेहतरीन कारीगरी। लेकिन आपका तोहफा सबसे खास है या नहीं, इस बात का फैसला हम बाकी बेगमात के तोहफे देखने के बाद करें। अरे रहीम, आप भी यहाँ हैं? इनकी जिद के आगे हमें झुकना ही पड़ता है। कोई बात नहीं सलीमा बेगम, हमें क्या तालिक हैं और हमें तंग करने का इन्हें पूरा हक है। ये तोहफा एक शहंशाह के लिए नहीं बल्कि एक अजीज दोस्त के लिए है। बहुत खूब सलीमा बेगम। अब सिर्फ जोधा बेगम का तोहफा बाकी है। नहीं मलिका आजम, हमारा भी तोहफा बाकी है। तो समझ में आया खाने खाना कि आप इस बार मीना बाजार में क्या कर रहे हैं। लाइए दिखाइए कि क्या तोहफा है आपके पास हमारे लिए। आपके लिए कुछ लिख कर लाए हैं शहंशाह। इरशाद फरमाएं। जब जब मरे अनाथ हमारी जाए, राम सिनानी मरे कभी कहीं समझाए। और इसका मतलब? इसका मतलब है कि जिसके सर पर खुदा का हाथ हो, जो मालिक को सबसे प्यारा हो, उसे मरकर भी मौत नहीं होती। वाह रहीम, इतनी सी उम्र में इतनी गहरी सोच। सलीमा बेगम, जानती है कि रहीम इतना बढ़िया पढ़ते लिखते हैं? जी अम्मी जान, लेकिन ये कभी बताते नहीं है कि ये क्या पढ़ रहे हैं। जनाब अपनी पढ़ाइयाँ अपने तक ही रखते हैं। हमें बहुत फख्र है खाने खाना कि हम आपके तालिक हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, आप हमारी बेगम नहीं है, वरना जीत बशर्ते आपकी होती। आइए अम्मी जान, चलकर देखते हैं कि जोधा बेगम हमारे लिए क्या तोहफा लाई। प्रणाम अम्मी जान। प्रणाम शहंशाह। लाइए कीजिए हमारा तोहफा पेश। ये भेंट उन शहंशाह के लिए जिनका हम ईश्वर की तरह सम्मान करते हैं, और केवल हम ही नहीं, पूरी प्रजा जिन्हें ईश्वर तुल्य मानती है। शहंशाह, ये मुकुट आपको सदा स्मरण करवाएगा
कि आपको प्रजा ने क्या नया नाम दिया है और आपसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। मतलब नए नाम के साथ हमें नया ताज भी मिल गया है। बहुत खूब। अम्मी जान, हमने अपने तीनों खास बेगमात के तोहफे देखे। अब वक्त है फैसले का।